अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब देखने वाले? सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं तड़के वाले चावल। वैसे तो सबको ही बनाने आते हैं, लेकिन हमने ये वीडियो बनाई है बिगनर्स के लिए, तो इन्हें बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल ले लेंगे हम 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो चावल चिपचिपे से बनेंगे। तो अभी हमने इसको धोया था, पानी खुशक कर लेते हैं। पानी वगैरह अगर हो तो उसको आपने ड्राई करके फिर ही ऑयल डालना है। तो 6 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाले हैं। इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं हमने, उन्हें हमने स्लाइस कर लिया है, रफली स्लाइस कर लिया है, वो डाल देंगे। ब्राउन करेंगे इन्हें गोल्डन, क्योंकि तड़के वाले चावल हैं तो ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करें तो भी खूबसूरत सा कलर आता है। वैसे तो सबको ही बनाने आते हैं तड़के वाले चावल, लेकिन ये जो वीडियो हमने बनाई है इसीलिए बनाई है कि हमारी वो बहनें जो भी छोटी हैं, जो भी कुकिंग के स्टार्ट पे हैं, उनकी हेल्प हो सके, उनको एक आइडिया मिल सके किस तरह से तड़के वाले चावल बनाने हैं और क्या क्या डालना है। तो ये उनके लिए वीडियो हमने शूट की है। तो प्याज हमारा हो गया है ब्राउन, जिस तरह का कलर हमें चाहिए था वैसा हो गया है। 2 से 3 हमने टेबलस्पून पानी के डाले हैं और प्याज़ों का कलर निकल आया है अच्छा सा, खूबसूरत सा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर प्याज का निकला है। हल्का सा भून लेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तड़के वाले चावलों में टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डलता, वैसे हम लोग डाल लेते हैं नॉर्मली, लेकिन जो ओरिजिनल तड़के वाले चावल हैं उनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डलती। उनमें गर्म मसाले और अदरक लहसुन जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो 2 खाने के चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 लहसुन का हमने पूरी, जो लहसुन की गुली होती है पूरी ली है, और 2 इंच का टुकड़ा हमने लिया है इसमें अदरक का। तो इसको भी फ्राई कर लेंगे इतना कि स्मेल ख़त्म हो जाए, अदरक और लहसुन की जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर इसके अंदर डालेंगे हम अपनी बाकी की चीज़ें। बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल से चावल हैं, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर ऐसी इस ओरिजिनल रेसिपी से आप बनाएँ तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। दूसरे चावलों से, जो बॉयल चावल है उनसे ये बहुत बेहतर है, क्योंकि बॉयल चावलों में भी कहीं ना कहीं बादी के असरात रह जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही बहुत अच्छे हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। और हमने लिए हैं 4 हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें हमने काट के डाल लिया है। आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, इनकी हमें खुशबू बहुत पसंद है इसलिए हमने डाली है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है कि हमारा जो है मसाला है, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है और मसाला है, वो नीचे ना लगे हमारे पैंदे, उसके जो हमारा बर्तन है उसके पैंदे में ना लगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको भून रहे हैं अच्छे तरीके से, ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। गरम मसाला डालेंगे साबुत। 1 हमने मोटी इलायची डाली है, मोटी इलायची इसमें ज़रूर डालें। जो साबुत खड़े मसाले हैं वो जान है तड़के वाले चावलों की, तड़के वाले चावल उन्हीं से बनते हैं। ज़ीरा लिया है हमने 1/2 टीस्पून, 8 से 10 हमने मोटी जो बड़ी है हरी काली मिर्चें हैं वो ली हैं। 1 हमने टुकड़ा लिया है, छोटा सा टुकड़ा जवैत्री का लिया है, और हम डालेंगे दालचीनी के 2 बड़े बड़े टुकड़े, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाला अपना भून लेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा हम डालेंगे। जिस टाइम पे हम दम देंगे चावलों को उस टाइम पे हम ज़ीरा डालेंगे, उसकी खुशबू बहुत लाजवाब आती है, बहुत ही मज़ेदार उसकी खुशबू आती है। नमक लिया है हमने 2 टीस्पून, हम भर के नमक के डाल रहे हैं क्योंकि 2 गिलास हमारे चावलों के हैं, तो उस लिहाज से हम 2 टीस्पून जो है वो नमक के भर के डाल रहे हैं। हमारा आयोडीन नमक है थोड़ा तेज़ है, आप अपने हिसाब से, कुछ लोग दूसरा नमक यूज़ करते हैं तो अपने हिसाब से डालें। अगर ज़्यादा हो गया तो उसका कोई हल नहीं है, कम हो जाए तो आप जिस टाइम तड़का के अंदर पानी डालते हैं पकने के लिए चावलों का, उसमें आप चेक कर लें, आपको कम लगे टेस्ट करके आप और डाल लें, लेकिन आपने एक ही बार में ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालना। चावल हमारे काफ़ी देर से भीगे हुए हैं इसलिए हम थोड़ा पानी डालेंगे। इसमें हमेशा डेढ़ा पानी डलता है, कि अगर आपका 1 गिलास चावल है तो आपका 2 गिलास पानी इसमें डलता है, तो हम लोगों ने सिर्फ 3 गिलास पानी के डाले। जोश दे लेंगे चावलों के पानी को और फिर इसमें चावल डालेंगे। पानी हमारा ज़बरदस्त सा पक चुका है, 10 मिनट हो गए हैं। हमने पानी को मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था, पानी में अच्छा सा जोश आ गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल हमने आधे घंटे से भिगोए हुए थे इसलिए हमने इसमें पानी की मिकदार कम रखी है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपके चावल थोड़े भिगे हुए हैं तो आप इसमें पानी ज़्यादा डालिएगा, नहीं तो पानी की मिकदार हमने कम रखी है इसीलिए कि चावल जुड़ ना जाएँ। खिले खिले चावल अच्छे लगते हैं, जुड़े हुए चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ये देखें, हमेशा की तरह मैंने चावलों में पानी
पानी रखा है ताकि चावलों के नीचे कोई कंकर कोई मिट्टी का ज़र्रा हो तो वो हमारे सारे चावल धुल के हमें मिलें। तो चावलों को हम रख देंगे पकने के लिए। बहुत ज़्यादा चम्मच ना चलाएं चावलों में, तड़के वाले बनाएं या पुलाव बनाएं कुछ भी बनाएं तो बहुत ज़्यादा चम्मच आपने नहीं चलाना। ज़्यादा चम्मच चलाने से भी चावल जो है वो टूट जाते हैं। 10 मिनट के लिए इसको पकने छोड़ते हैं मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट हो गए हैं हमारे चावलों को बनते हुए और अब आप ये देख सकते हैं चावलों में गड़े गड़े से आ गए हैं, खड्डे खड्डे से। ये इस बात की निशानी होती है कि चावल दम पे जाने के लिए तैयार हैं। हल्की सी नमी है, इसके नीचे हम एक रखेंगे वजनी सा तवा और 5 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए दम पे छोड़ देंगे। ज़ीरा डालेंगे हम, 1 टेबल स्पून ज़ीरे का लिया है। कुछ इसमें साबुत काली मिर्चें भी हैं, इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है। आप लोग ज़रूर डाला करें दम में, जब आप पुलाव बनाएं या तड़के वाले चावल बनाएं तो दम में ज़ीरा ज़रूर डाला करें। तवा रख दिया है हमने अपने पतीले के नीचे और अब हम इसको दम पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमारे चावल बनके तैयार हैं, दम आ चुका है, बहुत अच्छा दम आ चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चावलों में से। जो हमने ज़ीरा ऊपर डाला था उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखें कैसे खिले खिले और मज़ेदार चावल बनके तैयार हुए हैं। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा हमारी ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी, आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हुई। और हमें दुआओं में बहुत याद रखिएगा, हमें आपकी दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये ज़बरदस्त खुशबूदार और मज़ेदार चावल हमारे बनके तैयार हैं। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान है, हमारी बिगिनर बहनों के लिए ये रेसिपी है जिन्होंने नई नई कुकिंग सीखी है। साथ में हमने बनाया है दही का रायता और इसमें हमने डाली है हरी चटनी। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।